मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी आप ही मेरे साथ ये सलूक करेंगी। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आप ही कि मैं आपकी खातर वो घर छोड़ के आई हूं। अगर आप किसी और लड़के को पसंद करती भी थी तो आप मुझे बताती ना, मैं अम्मी से बात करती। कम से कम इस तरह मुझे पापा के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। नहीं मरिया, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम समझ रही हो। मैं तो बस, अगर ऐसा नहीं था तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। तुमने मना किया था ना मुझे मलिया के ससुर से बात ना करूं, तो फिर तुम क्यों करती रही उनसे बात? बच्ची नहीं हूं मैं मैनास। समझ में आ गया है कि जो नाजिया कह के गई है वही सच है। अगर झूठ होता ना तो तुम मलिया के कसम खाने पे इस तरह घबरा के वहां से चली ना जाती। जी अम्मी, आप ही के मजबूर करने पर ही पापा ने इस रिश्ते से इनकार किया, और वो बेचारे इनकी इज्जत बचाने की खातिर उन्होंने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। अभी तक तो मुझे सिर्फ इस चीज का दुख था कि आप ही के साथ धोखा हुआ है। अब मुझे पापा के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ प्यार किया है जिसकी वजह से वो अपनी ही बहू की नजरों में गिर गए हैं। अब उसका नाम भी बता दो जिसकी वजह से इतना सारा तमाशा रचाया तुमने। अब क्या फायदा अम्मी, मेरा घर तो बर्बाद कर दिया ना आप ही ने। मलिया मेरी बात तो सुन, मैं कैसे बताऊं आप लोग को। मैं मानती हूं कि नाजिया ने जो कुछ कहा उसमें से आधा सच और आधा झूठ है अम्मी। मैं मानती हूं कि मैं सर से बात करती हूं, ये भी मानती हूं कि मैंने उनको शादी से इनकार करने पर मजबूर किया था। लेकिन ये सच है अम्मी के इसके पीछे कोई वजह नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं अम्मी। तो फिर तुमने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया? फायदे की वजह से। फायदे की वजह से? जी।